हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर वन को सॉल्व करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पहले आप पैसेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे तो यहाँ पर पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे दशहरा इज अ मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया दशहरा इंडिया में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक मेजर फेस्टिवल यानी कि बहुत बड़ा त्योहार है दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर डीमन किंग रावण ये जो त्यौहार है वो डीमन यानी कि राक्षस और राजा रावण के ऊपर भगवान राम की विजय के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है द सेलिब्रेशन इज टू रिमेंबर सेलिब्रेशन जो है ये इस याद में होता है द गुड एंड होली ऑलवेज विन्स कि जो अच्छा होता है पवित्र होता है हमेशा उसकी जीत होती है ओवर एविल एंड अनहोली किस पर अपवित्र चीजों पर और बुरी चीजों पर इट मीन्स बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है लॉर्ड राम ऑन दिस डे रेस्क्यूड हिज बेलविड वाइफ गॉड डेस सीता इस दिन भगवान राम ने अपनी बेलविड वाइफ यानी कि अपनी प्रिय पत्नी देवी सीता को बचाया था हुज किडनेप्ड बाय डीमन रावण जिसे डीमन रावण यानी कि राक्षस रावण के द्वारा किडनैप कर लिया गया था मैनी फेयर्स आर ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बहुत सारे मेले इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पीपल ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिवल री इनेक्ट द प्ले ऑफ रामायण नॉन एज रामलीला लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के दौरान रामायण करते हैं इट मीन्स जिसे रामलीला के रूप में जाना जाता है नाउ क्वेश्चन इज हु किल्ड रावण रावण को किसने मारा तो यहाँ पर ऑप्शन है राम हनुमान लक्ष्मण भरत तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राम ने नेक्स्ट इज व्हाट इज द अपोजिट ऑफ होली होली कहते हैं पवित्र को तो यहाँ पर अपोजिट बताना है होली का तो यहाँ पर ऑप्शन है गुड अनहोली हैप्पी अनहैप्पी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट इज हु वॉज द वाइफ ऑफ लॉर्ड राम भगवान राम की वाइफ कौन थी तो यहाँ पर ऑप्शन है लक्ष्मी सीता दिव्या पूजा तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज व्हाट ऑलवेज विंस ओवर इविल हमेशा बुराई पर किसकी जीत होती है तो ऑप्शन है बैड गुड हेट क्राइम तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन इज रीड द गिवन पोयम दी गई पोयम को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए तो यहाँ पर ये पोएम है पहले हम इसे पढ़ेंगे वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर मैनी रीजन्स हम त्योहारों को कई कारणों से सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं एज दे कम इन डिफरेंट सीजन जैसा कि वो अलग अलग मौसम में आते हैं होली दीपावली ईद क्रिसमस एंड गुरु पर्व ऑल द फेस्टिवल्स स्प्रेड लव ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं ये प्रेम स्प्रेड करते हैं यानी कि लोगों के बीच में प्रेम को फैलाते हैं नेशनल फेस्टिवल्स आर एवरी वंस प्राइड जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो हम सभी का सम्मान है हमारा गर्व है एंड आर सेलिब्रेटेड नेशन वाइड और पूरे देश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है बसंत पंचमी संक्रांति लोहरी एंड तीज आर सीजनल फेस्टिवल तो ये जो हैं कैसे फेस्टिवल हैं ये मौसमी फेस्टिवल हैं सेलिब्रेटेड विद फन एंड ईद इन्हें बहुत ही मज़े के साथ आनंद के साथ सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल ओनम बैसाखी एंड बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मेक पीपल हैप्पी अराउंड यू तो ये जो फेस्टिवल है ये हैं फसलों के त्यौहार जो कि लोगों को बहुत खुश करते हैं तो ये जो पोएम है ये डिफरेंट फेस्टिवल के बारे में है कि कौन से फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किए जाते हैं नाउ क्वेश्चन इज नेम एनी टू सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यहाँ पर जो है आप अपनी चॉइस से आपको दो वर्ड लिखने यानी कि टू सेट्स लिखने हैं राइमिंग वर्ड्स के तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा इंडिया का नेशनल फेस्टिवल है तो यहाँ ऑप्शन है बसंत पंचमी लोहरी क्रिसमस इंडिपेंडेंस डे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इंडिपेंडेंस डे जो है वो नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पोयम कैन बी इस पोएम के लिए जो सबसे अच्छा यानी कि पर्याप्त टाइटल हो सकता है वो कौन सा हो सकता है तो ऑप्शन है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल्स ऑफ इंग्लैंड फेस्टिवल्स ऑफ चाइना तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया क्योंकि हमने यहाँ इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में पढ़ा अब यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स फॉर द पिक्चर यूजिंग द कंजक्शन एंड एंड कंजक्शन का यूज़ करते हुए इस पिक्चर के लिए कुछ वर्ड्स लिखने हैं जैसे कि यहाँ पर है लॉक एंड की यहाँ पर इसके लिए है लॉक एंड की ताला और चाबी अब नेक्स्ट है पेंट्स एंड ब्रश यहाँ पर कलर है और ब्रश है तो एंड का यूज करेंगे बॉय एंड गर्ल लड़का और लड़की तो एंड का मीनिंग जो एंड कंजेक्शन है उसका मीनिंग होता है और नेक्स्ट इज सन एंड मून यानी कि सूर्य और चांद चेयर एंड टेबल कुर्सी और मेज तो आप इस तरीके से एंड का यूज करके यहाँ पर लिखेंगे नाउ क्वेश्चन इज द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बर्ड यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग जो वो है वो जम है यानी कि करेक्ट नहीं है पुट दैम इन द राइट ऑर्डर उन्हें सही ऑर्डर में लिखना है तो जैसे कि एच पी पी ए वाई तो करेक्ट स्पेलिंग होगी हैप्पी एच ए डबल पी वाई यानी कि एच ए पी पी वाई हैप्पी मीन्स कुछ नेक्स्ट इज पी एल ई एस तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड होगा एस एल ई ई पी स्लीप यानी कि सोना नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर जो है ब्लैंक्स फिल करने हैं जैसे कि द कार इज रेड तो यहां पर क्या होगा यूज फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क तो कंप्लीट हुआ है सेंटेंस तो यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे गाड़ी लाल है नेक्स्ट इज इज योर फेवरेट फूड तुम्हारा फेवरेट फूड जो है कौन सा है तो यहाँ पर वॉट आएगा या फिर वैन तो वैन का मीनिंग होता है कब तो यहां पर वॉट लिखेंगे कि वॉट इज योर फेवरेट फूड नेक्स्ट इज ही वेरी टायर्ड तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं वॉज या फिर वर तो वॉज लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे वॉज ही वॉज वेरी टायर्ड नेक्स्ट है दिस लोटस फ्लावर तो यहां लिखेंगे इज या फिर आ तो दिस के साथ हम लिखते हैं इज तो इज लिखेंगे दिस इज आ लोटस फ्लावर यह एक कमल का फूल है ना क्वेश्चन इज मेक सेंटेंस इज यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं इनका यूज करके आपको सेंटेंस लिखनी है तो वाई है फर्स्ट वाई यानी कि क्यों वाई आर यू वीपिंग आप क्यों रो रहे हो इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं सेंटेंस नेक्स्ट इज वॉट वॉट मीन्स होता है क्या तो वॉट का यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है वॉट इज योर नेम वट इज योर फेवरेट डिस तो आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस वर्ड का यूज करके फॉर्म कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पर ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स यानी कि गलत के लिए एफ लिखना है फर्स्ट इज द मैजिशियन ग्रांटेड फाइव विसिज टू द लिटिल फिर छोटे लिटिल फिर को यानी कि छोटे फिटरी को मैजिशियन जादूगर ने पांच विसिस दी तो ये जो है फॉल्स है या फिर ट्रू है तो ये गलत है क्योंकि उसने फोर विशेज दी थी ना कि फाइव तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे नेक्स्ट इज वी यूज आर नोज टू स्मेल थिंग्स हम अपनी नोज का यानी कि नाक का प्रयोग चीजों को सूंघने के लिए करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर टी लिख देंगे नेक्स्ट इज एलिस सॉ आ फ्रॉग हॉपिंग बाय एलिस ने अपने पास से एक कूदते हुए फ्रॉग को देखा तो गलत है उसने किसे देखा था रैबिट को देखा था तो यहाँ पर एफ लिख देंगे नेक्स्ट इज द बर्ड्स आस्क्ड नेहा टू गो आउट एंड प्ले बर्ड्स यानी कि जो पक्षी थे उन्होंने नेहा से बाहर जाने और खेलने के लिए कहा तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने क्या कहा था उठने के लिए कहा था तो यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे नाउ क्वेश्चन इज वट टाइप ऑफ लीव्स डिड द फिर ट्री हैव फिर ट्री की किस तरीके की पत्तियां थी तो आंसर होगा द फिर ट्री हैव निडल लाइक लीव्स फिर ट्री की निडल यानी कि सुई के जैसी पत्तियां थी नेक्स्ट इज नेम एनी टू सेंस ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी अपनी बॉडी के आपको कोई भी दो सेंस ऑर्गन्स लिखने हैं तो सेंस ऑर्गन्स हैं नोज एंड ईयर्स नाक एंड हमारे कान नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द गार्डन दट एलिस सो इन योर ओन वर्ड्स यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस गार्डन को डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में जिसे एलिस ने देखा था तो आप इस तरीके से जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे कि वेन एलिस ओपन द डोर जब एलिस ने दरवाजा खोला सी फाउंड द ब्यूटीफुल गार्डन तो उसे एक वहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन दिखाई दिया इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन ये सबसे प्यारा यानी कि सबसे सुंदर गार्डन था दैट एलिस हैड सीन इन हर लाइफ जो कि एलिस ने अपने जीवन में पहली बार देखा था देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन इस बगीचे में बहुत सुंदर रंग-बिरंगे फूल थे। The fragrance was very attractive. उसकी जो सुगंध थी बहुत ही आकर्षित थी। द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन उस गार्डन में एक फवारा भी था सी विस्ड उसने इच्छा की दट शी वुड स्टे देयर फॉर एवर कि वह कास वहां पर हमेशा के लिए रुक पाती तो आप इस तरीके से इस गार्डन को डिस्क्राइब करेंगे अपने वर्ड्स में तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे समझेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू